जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एग्जिस एकेडमी। एग्जिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो पिछली एक क्लास हमने नाउन की स्टार्ट की थी। नाउन में हमने देखा था काइंड्स ऑफ नाउन, क्या होते हैं नाउन और उनके काइंड्स के बारे में हमने देखा। देन हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में समझा। इनके पार्ट्स को भी हमने देखा था कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, क्या क्या इनमें हमने पॉइंट्स देखे थे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम नाउन की सेकंड क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर का पार्ट, जहाँ पे हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल को देखा था। आज हम देखेंगे जेंडर पढ़ेंगे और नाउन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स को पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको पुरानी चीज़ समझ में आई हो। बिना देरी किए क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक हमारा रहेगा नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। टॉपिक हमारा रहेगा जेंडर। जेंडर, देखिए जेंडर क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं इसको हम क्या बोलते हैं, लिंग। जहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो हमारा जेंडर है, इनको फर्दर हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड पार्ट इज फेमिनिन जेंडर, थर्ड पार्ट इज कॉमन जेंडर एंड फोर्थ पार्ट इज अ न्यूट्रल जेंडर। तो क्या होते हैं ये पार्ट्स, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट पार्ट होता है आपका मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड पार्ट हो गया फेमिनिन जेंडर, थर्ड पार्ट इज अ कॉमन जेंडर एंड फोर्थ पार्ट इज अ न्यूट्रल जेंडर। देखिए मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, जिसको अगर हम बात करें हिंदी में तो इनको हम बोलते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग जो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी पुरुष को रिप्रेजेंट करता है, है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो मैस्कुलिन होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी मेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी मेल को रिप्रेजेंट करता है। वहीं जो हमारा फेमिनिन जेंडर होता है, ये किसी फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। फीमेल मीन्स किसी स्त्री, स्त्री लिंग, है ना। क्या होता है, फेमिनिन स्त्रीलिंग को क्या करता है, इंडिकेट करता है। कॉमन जेंडर क्या होता है, देखिए कॉमन जैसे हमने नाउन में पढ़ा था, कॉमन नाउन क्या था, है ना, होल कम्युनिटी को शो करता है। वहाँ होल कम्युनिटी में सारी चीज़ें आती थी, है ना। तो यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन इसमें क्या होते हैं, दोनों कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है, दोनों को रिप्रेजेंट करें। मैं अभी एग्जांपल लूंगा, तब तक के लिए हम ऐसे समझते हैं। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, ये नॉन लिविंग को इंडिकेट करता है। नॉन लिविंग मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं, इट शोज नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जेंडर हमने स्टार्ट किया, जेंडर को हमने चार्ट पार्ट में देखा। फर्स्ट वन इज अ मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड इज अ फेमिनिन जेंडर, थर्ड इज अ कॉमन जेंडर एंड फोर्थ इज अ न्यूट्रल जेंडर। क्या होते हैं मैस्कुलिन जेंडर, जैसे मैं एग्जांपल्स की अगर बात करूं तो एग्जांपल हमारे हो जाएंगे, आइए हम देखते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल मैंने ले लिया, फर्स्ट वन इज बॉय, क्या एग्जांपल ले लिया मैंने, बॉय। सेकंड एग्जांपल मैंने ले लिया क्या, फादर, या मैं इसको रिलेट करके चलता हूं, बॉय ब्रदर फादर हस्बैंड, और फिर हम लास्ट में क्या ले लेते हैं, ग्रैंड फादर, है ना। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मेल को रिप्रेजेंट करेगा, ये किस जेंडर की बात करेगा, मैस्कुलिन जेंडर की बात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अ फीमेल, मतलब कि फेमिनिन जेंडर की बात करेगा। क्या हो जाएंगे, हम सिमिलर लेके चलेंगे, गर्ल, ठीक है, सिस्टर, मदर, फिर वाइफ, फिर आपका क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा,
अब यहां पे हमें समझना होगा कॉमन जेंडर क्या होता है। कॉमन जेंडर मैंने आपको बताया जो मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट करता है, इट मींस कि मेल और फीमेल दोनों उसमें आते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, मैंने एग्जांपल ले लिया टीचर, है ना, किसकी बात की मैंने, टीचर, सर्वेंट, किसकी मैंने बात की, सर्वेंट की बात की। और मैं क्या ले सकता हूं, मैं ले सकता हूं डॉक्टर, है ना, ड्राइवर, प्लेयर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे देखिए अगर मैं बात करूं ईटीसी, है ना, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं टीचर, टीचर मेल भी होता है फीमेल भी होता है, आपने कहा सर बिल्कुल सही, है ना। उसी प्रकार सर्वेंट भी हमारा मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगला हमारा डॉक्टर, हमने देखा है ना मेल भी डॉक्टर होते हैं फीमेल भी डॉक्टर होते हैं, है ना। ड्राइवर भी हम देखते हैं मेल फीमेल दोनों होते हैं। और उसी प्रकार प्लेयर जो होते हैं, जैसे हमने आईपीएल में या क्रिकेट में देखा होगा या और जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं वहां पे हमने ये देखा होगा कि प्लेयर जो होते हैं मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स जहां पर मेल और फीमेल दोनों को हम दोनों की हम बात करेंगे वो कौन से जेंडर की बात करेगा, कॉमन जेंडर की बात करेगा, जहां पे मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट किया जाता है। इतनी बात समझ में। आगे हम बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, हम देखते हैं ये किसी नॉन लिविंग को इंडिकेट करेगा। अब दिमाग में आपके आ गया होगा कि जो न्यूट्रल जेंडर होता है वो किसी नॉन लिविंग की बात करेगा। अब नॉन लिविंग की बात करेगा तो मैं इसको ऐसे क्या कह सकता हूं, मैंने कह दिया पेन, मैंने कह दिया बुक। क्या यहां से पता चल रहा है कि मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं। ये क्या होता है, ये नॉन लिविंग को इंडिकेट करता है। अब नॉन लिविंग आपका कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल ले लिया पेन, बुक, पेंसिल, ठीक है, कार, मोबाइल, टेबल, ईटीसी, है ना। तो ये हो गए जेंडर के कुछ पार्ट्स, और वो कौन कौन से पार्ट्स थे। फर्स्ट वन इज अ मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड इज अ फेमिनिन जेंडर, थर्ड इज अ कॉमन जेंडर एंड फोर्थ इज अ न्यूट्रल जेंडर। आशा करता हूँ आपको ये इतनी जानकारी समझ में आई होगी। अच्छा, एक चीज यहाँ से हम और देख लेते हैं कि जो हमारा न्यूट्रल जेंडर था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था। आपने कहा सर आपने तो बताया नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट कर रहा था। और मैं अगर बात करूं कि जेंडर के हमने और तीन पार्ट्स देखे वो किसको किसको पर्टिकुलर रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपने कहा सर जी मैस्कुलिन जो था वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, फेमिनिन जो था फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना, कॉमन था वो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहां से एक चीज हमें ये सीखने को मिलती है कि मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये लिविंग को रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं जो आपका न्यूट्रल जेंडर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करेगा। आशा करता हूं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम यहां पे ये समझते हैं। रूल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कुछ इस प्रकार से, देखिए ध्यान से समझिएगा कि हम स्टार्ट ऑफ द रूल हम यहां पे ये समझेंगे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, हालांकि मैं आपको इंट्रो क्लास में मैं बता चुका हूं क्या होता है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट इनके साथ जो वर्ब यूज होगी हम क्या यूज करेंगे, आपने कहा सर ये तो आप बता चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, सिंगुलर वर्ब किसकी बात करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट किसकी बात करेंगे, सिंगुलर वर्ब की बात करेंगे, प्लस सब्जेक्ट किसकी बात करेंगे, आपने कहा सर ये तो प्लरल वर्ब की बात करेंगे, है ना। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी जब हम आगे अपने रूल्स को स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दिखेंगे या कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तब वहां पे ये कंफ्यूजन ना हो कि सर ये कौन सा सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको ये बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब कैसे यूज करनी है, सिंगुलर ही वर्ब यूज करनी है। प्लरल सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब कैसे यूज करनी है, प्लरल वर्ब यूज करनी है, है ना। ये बात समझ में, ये पिछले पॉइंट में पिछले क्लासेस में हम इसको समझ चुके हैं, तो ये पॉइंट आपको रिमेम्बर रखना होगा। तो जेंडर हमने देखा और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इसलिए लेकर चला कि आगे जो आने वाले पॉइंट्स होंगे वो आपको समझने में आसानी हो। आशा करता हूँ ये इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम नाउन के, हम इंपॉर्टेंट रूल्स की ओर बढ़ेंगे। क्या होते हैं रूल्स, देखिए
ये जो क्लासेस आपके सामने आ रही हैं, यहाँ पर ये बेसिक बेसिक पॉइंट समझाने का मतलब यही है कि आपको जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं, कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड ये होती है कि उनका बेसिक्स नहीं क्लियर होता है ना। मतलब कि जैसे जो मैंने अभी पॉइंट रखा था, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लरल सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर वर्ब प्लरल वर्ब, तो इनसे रिलेटेड पॉइंट्स नहीं क्लियर हो पाते हैं। तो हम एक बेसिक से पॉइंट्स की शुरुआत करके उनको सुनेंगे, समझेंगे क्या रूल्स होते हैं उनके, वे सब हम देखेंगे पढ़ेंगे, देन हम थोड़ा सा लेवल अपना क्या करेंगे बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर वन हमारा नाउन का होगा, रूल नंबर वन। देखिए रूल नंबर वन क्या होगा कि कुछ नाउन आपके होते हैं, कहने का मतलब हुआ कुछ नाउन देखने में लगते हैं प्लरल, लेकिन एक्चुअल में उनका हम यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, एज अ सब्जेक्ट सिंगुलर, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह हम यूज करते हैं। इट मींस कि देखने में आपको लग रहे हैं प्लरल है ना, लेकिन एक्चुअल में जो उनका हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में वो कैसे यूज करते हैं, प्लरल यूज करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखिए सम नाउन्स लुक प्लरल बट यूज, इसको हम ऐसे लिखते हैं, बट Always use in singular, है ना। मैंने यहां पे वर्ड इंडिकेट किया है और वो वर्ड क्या है ध्यान से सुनिएगा, मैंने वर्ड यूज किया सम नाउन्स लुक कैसे दिखते हैं, वे प्लरल दिखते हैं, और उनका हम यूज कैसे करते हैं, यूज हम करते हैं एज अ सिंगुलर। कहने का मतलब सेंटेंसेस में जब उनका हम यूज करेंगे तो वो कैसे यूज होंगे, एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के तरीके से यूज होंगे। वे वर्ड्स कौन कौन से हैं आइए हम देखते हैं, वर्ड्स कौन से हो जाएंगे, देखिए जैसे मैंने वर्ड ले लिया न्यूज है ना, न्यूज ले लिया, इनिंग्स जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैं बात करूं मैथमेटिक्स, ठीक है, यहां पे इसको हम कैपिटल कर लेते हैं, पॉलिटिक्स, एथिक्स, सिविक्स, स्टेटिक्स है ना, और हमारे वर्ड क्या हो जाते हैं, ये हमारे हो गए न्यूज, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, सिविक्स, स्टेटिक्स, और क्या हो जाएगा इकोनॉमिक्स, और हमारा एथिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स। जैसे कुछ हमारी बीमारियां होती हैं मीजल्स की, मीजल्स हम लेते हैं MEASLES, measles, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रिकेट्स, क्या हो जाएगा रिकेट्स, जो सूखा रोग बोलते हैं, गलसुआ होता है ना, ठीक है, और क्या होता है मम्स, क्या होता है मम्स होता है, ETC, ठीक है। एक वर्ड हम और ले लेते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, जैसे अरेबियन नाइट्स, अब हम रखते हैं क्या ETC, दीज आर वर्ड्स है ना। एक चीज और, हमारे दिमाग में एक जैसे कीड़ा होता है, वो कीड़ा कैसे होता है कि वर्ड में हमने देखा लास्ट में एस लगा है, आंख मूंद कर हम इसको क्या बोलते हैं, ये प्लरल ही होगा, बट ऐसा नहीं है। ग्रामर कहता है कि जो नाउन एंडिंग में क्या उनके दिख रहे हैं, एस दिख रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि वो प्लरल ही हो, उनका ही यूज हम कैसे करते हैं सिंगुलर। वो एक कहावत सुनी है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं ना, लोग देखते हैं कि हाथी का जो बड़ा सा आगे दांत होता है वो क्या होता है, उसी से खाता है, नहीं,
खाने का दांत अलग होता है ना, और वो दिखाने का दांत अलग है। तो उसी प्रकार ये नाउन का जो रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, ये बिल्कुल रिलेट करता है वे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाले पॉइंट में। तो अगर मैं एग्जांपल्स लूं, तो मैंने ये जो बताया आपको कि देखने में क्या लग रहे हैं, सब में एस लगा हुआ है ना, और यूज हम कैसा करेंगे, सिंगुलर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं, एग्जाम्पल मैंने लिया माय मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर। अब यहां पुअर मतलब गरीब नहीं है, बहुत ही क्या है, मेरी मैथमेटिक्स क्या है, बहुत ही खराब है। खराब मतलब मैं इसमें बहुत वीक हूं, है ना। तो यहां पे वर्ड मैंने यूज किया माय मैथमेटिक्स, है ना, माय मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है, आपने कहा सर ये तो नाउन को इंडिकेट कर रहा है, और कैसा नाउन है, देखने में लग रहा है प्लरल, लेकिन यूज कैसा करेंगे इनको हम, एज अ सिंगुलर। मैंने अभी जो पॉइंट लिखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लरल सब्जेक्ट के साथ प्लरल वर्ब, तो ये एग्जांपल इस पॉइंट पे क्या होता है, हिट करता है। ठीक है, अगले एग्जांपल की ओर हम बढ़ते हैं। अब यहां पर भी हमने सेम चीज की, है ना, किसका यूज किया हमने, आपने कहा सर ये सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं आप, रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट को, है ना, दिख कैसे रहा है प्लरल सब्जेक्ट, है ना। तो हमें ये चीज ध्यान में रखना होगा कि इसके साथ जो हमने ये वर्ब यूज की है, ये सिंगुलर वाली वर्ब ही यूज की है। ठीक है, आशा करता हूँ ये दो एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। और एग्जांपल्स हम लेते हैं, यहाँ पे मैंने कहा अरेबियन नाइट्स, अब मैं एक टेस्ट लेता हूं आपका, इज ऑब्लिक आर, अरेबियन नाइट्स इज ऑब्लिक आर अरेबियन नाइट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इसी के साथ साथ एक एग्जांपल हम और लेते हैं, मैंने कहा थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स इट्स कमिंग, और एक एग्जाम्पल और थ्री इडियट्स आर कमिंग। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने दो समझे एग्जाम्पल्स, हम इनको समझते हैं कि जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, क्या ये हमारे रूल्स को, जो रूल्स मैंने आपको बताया, ये उस पर अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया क्या, अरेबियन नाइट्स, मैंने यहाँ वर्ड यूज किया क्या, अरेबियन नाइट्स। अब अरेबियन नाइट्स मैंने क्या कहा कि सर देखने में लगते हैं प्लरल, लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये अरेबियन नाइट्स क्या है, अरेबियन नाइट्स क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग बुक है, इसका नाम है इंटरेस्टिंग बुक। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक बना लेते हैं, एन अरेबियन नाइट्स करते हैं, नहीं इसको मैं रूल के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अरेबियन नाइट्स क्या है, एक बुक का नाम है, और कैसी बुक है, वेरी इंटरेस्टिंग बुक है। तो ये बुक का नाम है, लास्ट में एस लगने से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं अगर कह दूं कि किसी कोई पर्टिकुलर मैं बुक ले लूं, और उस पर्टिकुलर बुक का नाम ही है कैसा, जब लास्ट में एस लगा हो, है ना, देखने में लग रहा है प्लरल, लेकिन एक्चुअल में कैसे यूज करते हैं, हम सिंगुलर यूज करते हैं। मैंने एग्जांपल्स दो और लिए इसीलिए। तो यहाँ पर ये अरेबियन नाइट्स एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे, वर्ब प्लरल, ना कि सॉरी सिंगुलर, ना कि प्लरल। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट जो दो सेंटेंसेस हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ये देखते हैं, मैंने वर्ड यूज किया थ्री इडियट्स इज कमिंग, थ्री इडियट्स आर कमिंग। अब इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा आपका, कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट होगा आपका, लेट्स फाइंड आउट, हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो मैंने क्या कहा, आपने देखा होगा ना थ्री इडियट्स मूवी आई थी 2012 में, आमिर खान थे जिनमें, करीना कपूर
और दो हीरो और हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता। वो एक्चुअल स्टोरी पर बनी हुई बुक है ना, जो सोनम वांगचुक जीते हैं उन पे बनी हुई स्टोरी है, मूवी है। तो क्या थी वो, एक मूवी का नाम है, और जब मूवी का नाम वो एक ही होगा है ना, इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखने में कैसा लग रहा है, प्लरल, लेकिन एक्चुअल में इनका हम यूज कैसे करेंगे, यहां पर ये सिंगुलर। तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि यहां थ्री इडियट्स ही क्या है, ये मूवी का नाम है। तो उस प्रकार से आप कहोगे सर ये कैसे है ना, यहां पर इसने किसको रिप्रेजेंट किया, ये मूवी को रिप्रेजेंट किया। वहीं दूसरी तरफ जो हमने यूज किया, थ्री इडियट्स आर कमिंग, कि किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि तीन व्यक्ति हैं, और वे तीनों के तीनों क्या हैं, मूर्ख हैं, वे क्या हैं, आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, वो देखो तीन गधे आ रहे हैं, है ना, वो देखो तीन बुद्धिमान व्यक्ति आ रहे हैं, चार बुद्धिमान व्यक्ति आ रहे हैं, है ना, तो हम ऐसे बोलते हैं। अब इस कंडीशन में ये कैसा सब्जेक्ट हुआ, ये सर जी आपका हो गया प्लरल सब्जेक्ट हुआ। अब प्लरल सब्जेक्ट हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि प्लरल सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब कौन सी यूज करनी है, प्लरल। इस तरीके से भी ये सेंटेंस क्या होगा, अपने आप में सही होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि थ्री इडियट्स इज कमिंग भी सर ने सही बताया, थ्री इडियट्स आर कमिंग बताया। तो यहां पर हमने क्या सीखा, यहां पर हमने ये सीखा कि ये जो थ्री इडियट्स है, ये किसी मूवी का नाम, पर्टिकुलर एक चीज को इंडिकेट कर रहा है, वो क्या है, मूवी नेम है ना। और यहां पर ये क्या है, प्लरल सब्जेक्ट है, तो इस वजह से भी हमने यहाँ पे लगाया। आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, जो हमने देखा रूल नंबर वन में, सम नाउन्स लुक प्लरल बट उनका हम यूज कैसे करते हैं सिंगुलर। आपने आप देखिए कि जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं, वहां पर हमने जो वर्ब यूज की है वो क्या यूज की है, सिंगुलर। या इसको तो मैंने आपको इसके कंपेरिजन में बताया, ताकि आप झड़े ना टॉपिक से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए रूल नंबर टू की हम बात करेंगे। रूल नंबर टू क्या होता है, ध्यान से हम समझेंगे। देखिए रूल नंबर टू क्या होगा, अब जिस प्रकार हमने देखा कि कुछ नाउन देखने में क्या लगते हैं प्लरल, लेकिन एक्चुअल में उनका यूज कैसे करते हैं हम सिंगुलर, इसी के जस्ट अपोजिट इसको आप उल्टा करके देखेंगे। जैसे जैसे सॉरी सम नाउन्स लुक सिंगुलर, सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट ऑलवेज ऑलवेज यूज इन, ऑलवेज यूज इन प्लरल। यहां पे मैं फिर से वर्ड को इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। वर्ड को इंडिकेट हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, मैंने वर्ड यूज किया क्या, सिंगुलर, है ना, देखने में कैसे लगेंगे, सिंगुलर। लेकिन यूज हम कैसे करते हैं, एज अ प्लरल। कहने का मतलब फिर वही बात आ गई कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुई है ना, प्लरल सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब कैसे यूज करनी है, प्लरल यूज करनी है। तो ये जो हमने रूल नंबर टू रेडी किया है, इस पे हम देखेंगे वो कौन कौन से वर्ड्स होंगे जो देखने में लगते हैं सिंगुलर, बट एज अ यूज हम कैसे करते हैं, प्लरल करते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा हमारा वर्ड, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया हमारा कैटल, क्या हो गया, कैटल। नेक्स्ट वर्ड इज पीपल, ठीक है, क्या हो गया, पीपल। नेक्स्ट इज पुलिस, नेक्स्ट इज इन्फेंट्री, जो पैदल सेना होती है, क्या हो गया, इन्फेंट्री। नेक्स्ट वर्ड इज पीजेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अ जेंट्री, क्या हो गया, जेंट्री, पीजेंट्री, जो किसानों का झुंड होता है, किसानों का झुंड, है ना, जेंट्री मतलब जो सज्जन वृंद होते हैं, जो सज्जनों का झुंड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, जेंट्री बोलते हैं। और हम वर्ड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे मैंने वर्ड ले लिया क्या, मैंने वर्ड ले लिया पीजेंट्री, ले लिया जेंट्री, ले लिया, और वर्ड ले लेते हैं हम आर्मी, क्या वर्ड ले लिया, आर्मी वर्ड ले लिया। और हम वर्ड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कैवेलरी, ठीक है, कैवेलरी, जो घुड़सवार सेना होती है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड हम और लेते हैं, क्या होता है, पोल्ट्री। आप देखते हो ना, कहते हो पोल्ट्री फार्म, जो मुर्गा मुर्गी फार्म होता है उनको हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ईटीसी,
क्या हमने वर्ड ले लिया डी से। अब देखिए एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको फिर से इंडिकेट कर रहा हूं, देखो ये देखने में वर्ड, अब फिर से वही बात आ गई कि वर्ड के लास्ट में एस तो लगा नहीं है तो हम प्लुरल भी नहीं यूज करेंगे। मैंने आपको कहा कि वो कंसेप्ट जो हम सीखते आए हैं, गलत सीखते आए हैं, हमारे माइंड में हमने फिट कर रखा है, उसको क्या कीजिए आप निकाल के बाहर फेंक दीजिए, है ना। तो ये वर्ड्स कौन कौन से थे एक बार हम रिपीट करते हैं। वर्ड हमारा है कैटल, कैटल मतलब क्या होता है, मवेशियों का झुंड, है ना। पीपल, पुलिस, इन्फेंट्री मैंने बताया पैदल सेना जो होती है। पीजेंट्री किसानों का झुंड, जेंट्री जेंट्री मतलब जो सज्जन वृंद होते हैं, है ना। आर्मी सेना, कैवलरी जो घुड़सवार सेना होती है। पोल्ट्री मतलब जो हमारा पोल्ट्री फॉर्म होता है। एग्जाम्पल्स की हम बात कर लें, चलिए एग्जाम्पल्स हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा दो वर्ड हम यहां पे लेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज कैटल आर ऑब्लिक इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। वर्ड हमने क्या लिया, कैटल आर ऑब्लिक इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसी के साथ साथ सिमिलर हम वर्ड और ले लेते हैं, क्या हम बोलते हैं इसको, कैटल्स, कैटल्स आर ऑब्लिक इज, बाकी सेम सेंटेंस, है ना। तो यहां पे पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको टेस्ट के रूप में एक दो क्वेश्चंस लेकर आऊंगा यहाँ पे। देखिए मैंने क्या कहा, ये ऑलरेडी देखने में सिंगुलर होंगे प्लुरल, आपने कहा सर ये तो देखने में लग रहे हैं सिंगुलर, है ना, लेकिन यूज हम कैसे करते हैं, यूज इनका करते हैं हम प्लुरल। तो यहाँ पे बताइए सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर प्लुरल, आपने कहा सर जो सब्जेक्ट है वो तो प्लुरल है, देखने में भले सिंगुलर लग रहा है, हमने अभी रूल सीखा है, है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हमने यूज की थी, यहाँ पे जो वर्ड है क्या प्लुरल, इसके साथ हम वर्ड यूज क्या करेंगे, प्लुरल यूज करेंगे, तो इसका यूज होगा नहीं होगा, बात समझ में, डन, गेटिंग माय पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्या इसको कैटल को हम कैटल्स बना सकते हैं, ये तो वही बात हो गई ना कि सर मुझे सफेद दूध पीना है, भैया दूध का रंग ही सफेद होता है, मैंने क्या कहा दूध का रंग ही सफेद होता है, तो कौन सा आप सफेद दूध मांग रहे हो, तो वही बात हो गई ना। तो कैटल अपने आप में प्लुरल है, हमें एस लगाकर बनाने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, जब एस लगाकर इसमें हमें प्लुरल बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही प्लुरल है, तो इसकी बात होगी, इसकी बात बिल्कुल नहीं होगी, बताइए समझ में आया। कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे पूछा जाता है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बच्चे कहते हैं यार यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं लग रही है, क्या करते हैं नो एरर करके चले जाते हैं। अब नो एरर कर दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया, एग्जामिनर अपना काम कर देगा, फिर मेरिट में नाम नहीं आएगा और क्या होंगे, फेल हो जाते हैं। तो ये बताइए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और कई बार जैसे जो डिफेंस के एग्जाम होते हैं जैसे एयरफोर्स और नेवी, इस तरीके उनका ये पसंदीदा क्वेश्चन होता है, है ना, बार 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 रिपीट। अभी हाल ही में जो अग्निवीर से एग्जाम हुआ है एयरफोर्स का, उसमें ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि आप दोबारा गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने एग्जाम्पल लिया पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने किसको अरेस्ट किया, थीव्स को अरेस्ट किया। अब यहां पे पुलिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आपने कहा सर ये तो अब मेरे लिए आसान बात हो गई, आपने मुझे बताया कि वर्ड देखने में सुंदर भले लग रहा है लेकिन अपने आप में क्या यूज कर, अपने आप में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, भैया मैं तो क्या हूँ, सुप्रीम पावर हूँ, है ना। पुलिस, एक पुलिस ने मिलकर अरेस्ट नहीं किया है, वहां पर क्या है, वो ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पुलिस वहां पे थे, उन्होंने क्या किया है, थीव्स को अरेस्ट किया है। तो भाई ये सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लुरल, आपने कहा सर ये तो अब मेरे लिए आसान बात हो गई, प्लुरल सब्जेक्ट है, इसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे, प्लुरल यूज करेंगे, बताओ, इतनी जानकारी समझ में। एक क्वेश्चन आपके लिए, द जेंट्री of this village is oblique r divided to the
फंक्शन, है ना। यहां पे वर्ड हमने क्या यूज किया, द जेंट्री ऑफ दिस विलेज इज ऑब्लिक आर डिवाइडेड टू द फंक्शन। तो आपने दिमाग लगाना है कि सर ने क्या बताया है। यहां पे हमने वर्ड यूज किया क्या, जेंट्री। कहां के जेंट्री हैं भाई, विलेज के जेंट्री हैं। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने इसके अकॉर्डिंग लगाया, भैया हमने वर्ड कौन सा देखा है, हमने वर्ड लिया जेंट्री। किसकी बात करेगा, सिंगुलर और प्लरल, आपने कहा सर तो प्लरल की बात करेगा। अब प्लरल की बात करेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हमने यूज किया, डन। आपने कहा सर बिल्कुल डन। मैंने क्या कहा, प्लरल सब्जेक्ट के साथ प्लरल वर्ब यूज करेंगे, आपने कहा सर डन। मैंने कह दिया बिल्कुल डन। तो आंख मूंद कर आपको क्या यूज कर देना है, प्लरल सब्जेक्ट के साथ प्लरल वर्ब। बताइए ये पॉइंट समझ में आया। तो दो रूल हमने देखे, एक रूल देखा कि देखने में जो नाउन थे वो प्लरल लगते थे, यूज हम कैसे करते थे, सिंगुलर यूज करते थे। दूसरा हमने क्या देखा, नाउन देखने में कैसा लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है, और यूज हमने कैसा किया, प्लरल यूज किया। तो बताओ दोनों जो रूल्स हमने देखे वो आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी साझा करें इसको, ठीक है। चलिए अगले रूल की ओर हम बढ़ते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या होता है, देखिए ध्यान से देखना है हमें। देखिए अभी तक हमने देखा एक नाउन है, देखने में लग रहा है सिंगुलर, यूज कैसा होगा प्लरल, है ना। दूसरा हमने रूल क्या देखा कि एक नाउन है, देखने में लग रहा है प्लरल, लेकिन यूज कैसा होगा, सिंगुलर। अब हमारा तीसरा नाउन होगा, अब आंख मूंद कर आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए, इसको तो मैं आंख मूंद कर बता सकता हूं कि जो नाउन होगा तो नाउन क्या होगा, सम नाउन्स लुक प्लरल एंड ऑलवेज ऑलवेज यूज इन प्लरल। ये तो कहा आपने, कहा सर ये तो मजेदार बात हो जाएगी मेरे लिए कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ भाई बिल्कुल दिक्कत नहीं रहेगा आपके लिए, है ना सर। सब्जेक्ट आपका प्लरल है, जो नाउन आपको दिया गया है वो कैसा है, प्लरल है। आप सब्जेक्ट प्लरल, आंख मूंद कर कहोगे सर कोई भी वर्ब आए, कोई भी वर्ब आए, हमें यूज कैसा करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हमने यूज किया था, प्लरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लरल वर्ड यूज करेंगे, है ना। तो वो वर्ड्स कौन कौन से होंगे इनकी हम बात करते हैं। तो वर्ड्स देखेंगे हम, जैसे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, मैंने वर्ड ले लिया सीजर्स, क्या हो जाएगा सीजर्स, जो कैची होती है ना। और हमारा वर्ड्स क्या हो जाएगा, टंग्स, चिमटा जिसको हम बोलते हैं। और जो लेडीज यूज करती हैं इयररिंग्स, क्या होता है, इयररिंग्स होती है, ठीक है। अभी मैंने क्या लगाया हुआ है, आपने कहा सर चश्मा लगाया हुआ आपने, तो एक वर्ड हो जाएगा हमारा सनग्लासेस, एक वर्ड हो जाएगा हमारा आई ग्लासेस, है ना, क्या हो जाएगा, आई ग्लासेस। और वर्ड हम क्या ले सकते हैं, और वर्ड हम ले सकते हैं यहां पे स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स, है ना। ये वर्ड्स हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा और भी हम इसमें वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे गॉगल्स, है ना, बहुत फेमस वर्ड है क्या, ट्राउजर्स, पैंट्स, ठीक है, कुछ वर्ड हमारे बचे, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो देखने में क्या लग रहे हैं, आपने कहा सर अब तो ये प्लरल लग रहे हैं, इनके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो भी क्या यूज करेंगे, प्लरल यूज करेंगे। यहाँ पे हम ETC लिख लेते हैं। एक वर्ड और ले लेते हैं हम, सराउंडिंग्स, क्या वर्ड लेते हैं, सराउंडिंग्स। और लास्ट वर्ड हमारा सूज, ETC वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स एंड ETC, है ना। तो ये कुछ हमारे वर्ड्स हैं। अब जरूरी नहीं कि मैं इनसे रिलेटेड ही आपको एग्जाम्पल्स भी कराऊं, अन्य वर्ड्स भी हो सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल्स मैं ले लूं, द वेजेस ऑफ माय फ्रेंड इज ऑब्लिक आर 5 लाख
पर मंथ। अभी सेंटेंस को मेरे जो फ्रेंड्स है ना देखेंगे, कहेंगे कितनी अच्छी बात तुमने कही है ना। कितना मंथ में कमाते हैं? 5 लाख रुपए मंथ में कमाते हैं। तो बताओ यहां पर हमने वर्ड यूज किया क्या? द वेजेस। अब देखना वेजेस भी क्या होता है, जो भत्ता होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? भत्ता, है ना, जो मंथली इनकम होती है। ठीक तो है, हमने वर्ड यूज किया क्या? वेजेस। अब किसकी बात कर रहे हैं? सर आपने कहा था कि देखने में प्लरल, यूज भी कैसे हम करेंगे? प्लरल ही करेंगे। तो यहाँ पे बताओ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी प्लरल। अब आंख मून कर आपने क्या कर दिया? सर यहाँ पे तो प्लरल वर्ब ही आएगी। बताओ समझ में आया? और भी एग्जांपल्स हम ले, चलिए और भी एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, वेयर इज माय ट्राउजर, हम ऐसे कह सकते हैं? बताओ हम ऐसे कह सकते हैं या इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं? देखिए यहां पर मैं कह दूं वेयर इज द टंग्स, और एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। मैंने कहा माय इज ऑब्लिक आर वेरी एक्सपेंसिव, है ना। मैंने वर्ड क्या यूज किया? माई ट्राउजर्स इज ऑब्लिक आर वेरी एक्सपेंसिव। अब देखिए यहां पे ये तो दो सेंटेंसेस हमने लिए हैं, इनको हम समझते हैं। यहां पे वर्ड क्या है? टंग्स। बताओ कुछ एरर है इसमें? पहले आप बताओगे मुझे, बताओ यहाँ पे एरर क्या हो सकता है? आपने कहा सर यहाँ पे जो आपने इज वर्ड यूज किया है ये मुझे खटक रहा है इस सेंटेंस में। जब खटक रहा है तो इसको निकाल के बाहर फेंको। लो भैया मैंने बाहर फेंक दिया। अब बाहर फेंक दिया तो उसकी जगह भी तो फुलफिल करोगे आप। क्यों, क्या वर्ड यूज करोगे? सर आर यूज करना है, है ना। जैसे मैं कहूँ माय टंग्स आर, टंग्स यहाँ मतलब मैं जीप की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन डिफरेंट वर्ड्स है, है ना। तो टंग्स मतलब चिमटा, पेयर में होते हैं, जैसे सीजर्स हो गए, है ना, ट्राउजर्स हो गई, आपके पेयर में होते हैं। मैंने वर्ड यूज किया शूज, है ना, पैंट्स, ट्राउजर्स, सनग्लासेस, आई ग्लासेस, है ना, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, ये सब क्या होते हैं? पेयर में होते हैं क्या? मैंने दोनों आंख में चश्मा लगाया है, एक आंख में एक चश्मा लगाया है तो सिंगल, लेकिन वर्ड क्या होता है? वर्ड यूज हम करते हैं प्लरल, और इनके साथ जो वर्ब भी आएगी वो क्या आएगी? प्लरल। बताओ इतने सेंटेंसेस आपको समझ में आए? अगर समझ में आए हैं तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अगर आपको कोई भी शिकायत है कि सर ये सेंटेंस नहीं समझ में आया, ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप वीडियो को प्लीज पॉज करके उसको बार बार रिपीट करके देखेंगे। नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। सारी आपकी जो शिकायतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कमेंट्स के माध्यम से सॉल्व की जाएगी। अगले रूल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला रूल हमारा क्या होगा? चलिए कुछ देर में हम देखते हैं। चलिए अगले रूल की ओर हम बढ़ेंगे। अगला रूल हमारा क्या होगा? रूल नंबर 4। रूल नंबर 4। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट रूल भी होता है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हम पिछली क्लासेस के कुछ पॉइंट को रिलेट करके पढ़ेंगे कि ये जो रूल है हमारा वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। आइए हम देखते हैं। मैंने क्या कहा? सम नाउन्स, मैंने वर्ड यूज किया क्या? सम नाउन्स ऑलवेज यूज इन, ऑलवेज यूज इन सिंगुलर। क्या मैंने कहा कि जो कुछ नाउन्स होते हैं वो कैसे यूज होते हैं? आपने कहा सर, आपने मुझे बताया सदैव कैसे यूज होंगे? सिंगुलर यूज होंगे। अब सिंगुलर कहने का मतलब क्या हुआ बताओ? वर्ड हम देखेंगे, वर्ड से हम डिफाइन करेंगे कि जो वर्ड अगर किसी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं तो वो कैसे यूज किए जाएंगे? एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के तरीके से यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्ड भी देख लेते हैं, वो वर्ड कौन कौन से होंगे। जैसे मैंने वर्ड लिया, मैंने वर्ड कौन कौन से लिया देखिए, जैसे मैंने वर्ड लिया सीनियरी, मैंने वर्ड लिया फर्नीचर, मैंने वर्ड लिया ब्रेड, मैंने वर्ड लिया एडवाइस, मैंने वर्ड लिया मिसचीफ, शरारत जिसको आप बोलते हो,
ठीक है। और मैं वर्ड क्या लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। वर्ड मैंने लिया इंफॉर्मेशन, वर्ड इज अ लगेज, बैगेज, ठीक है। इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, ठीक है। और वर्ड हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे पोएट्री, ठीक है, पोएट्री हो गया। मनी है ना, मनी भी हमारा वर्ड है, मनी, ठीक है। हेयर, जो हमारे बाल होते हैं, ठीक, ईटी से। और कोई वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट तो सभी होते हैं, और भी कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम देख लेते हैं जो हमसे छूट गया हो। यस, दो वर्ड्स हम और देख लेते हैं, नॉलेज एंड स्टेशनरी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। स्टेशनरी, दीज वर्ड्स है ना, जो वर्ड्स हैं इनको हम ऑलवेज किस फॉर्म में यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। सिंगुलर कहने का मतलब, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, किसी भी सेंटेंस में अगर इनका हम यूज करते हैं तो एज अ सिंगल सब्जेक्ट के तौर पर यूज करे जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम समझते हैं कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो यहां पर चाहे आप हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे कि सर क्या हम उसका प्लरल बना सकते हैं, है ना। तो पॉइंट क्या है, रिमेंबर दैट दे आर अनकाउंटेबल नाउंस। बहुत बड़ी बात है सर ये, है ना। ये सर सिंगुलर हम क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो, सॉरी प्लूरल क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स क्या है, अनकाउंटेबल है। बताओ, मैंने अनकाउंटेबल आपको बताया, आपने कहा सर बिल्कुल बताया। क्या होते हैं अनकाउंटेबल, इट कैनॉट बी काउंटेड, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब काउंट नहीं कर सकते हैं तो क्या प्लूरल बना सकते हैं, जैसे मैंने बात की थी, किसकी बात की थी, करेज की बात की मैंने, मैंने ब्रेव की बात की, भैया वो बहुत ब्रेव है, मुझे उसका 2 किलो ब्रेव तौल कर दे दो, काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जो मटेरियल नाउन और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने देखा था, क्या वे काउंटेबल थे, अनकाउंटेबल, आपने कहा सर कैसी बात कर रहे हैं, आपने तो इसे अनकाउंटेबल बताया है। अब अनकाउंटेबल बताया है तो उनको हम प्लूरल बना सकते हैं, कतई नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर दीज वर्ड्स, आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के पहले, इन वर्ड्स के पहले हम क्या नहीं यूज करेंगे, सॉरी यहां पे थोड़ा सा हम बना लेते हैं, इन वर्ड्स के पहले हम क्या यूज नहीं करेंगे, एनी आर्टिकल्स। अब वे आर्टिकल्स कौन कौन से होंगे, आपने कहा सर आई थिंक आप मुझे पहले ही बता चुके हो कौन कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल ए एंड द, दीज आर्टिकल्स विल नॉट यूज बिफोर दीज वर्ड्स। ये जो आर्टिकल्स हैं इनके पहले हम इन वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही करेंगे कभी भी। कहीं पे अगर आपको मिलता है तो आपने सबसे पहले दिमाग लगाना है कि सर ये अनकाउंटेबल है। और बताओ, मैंने अनकाउंटेबल जो नाउन मैंने आपको बताए हैं उनके पहले हमने आर्टिकल का यूज देखा था, बिल्कुल नहीं देखा था। अगर पुरानी क्लासेस आपने, इसके जो पहले जो क्लासेस थी, अगर आपने उसको अच्छे से देखा होगा तो लास्ट में एंड ऑफ द वीडियो हमने कुछ पॉइंट्स में, कुछ मिनट्स पहले वहां पे हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की चर्चा की थी, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखिए, ठीक है, देन इस वीडियो पे हम आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये एग्जांपल्स हमारे, सॉरी ये वर्ड्स हमारे हो जाएंगे। एग्जांपल्स की हम बात करेंगे कि जो एग्जांपल्स हम लिखेंगे वो ये दोनों जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था, तीसरा पॉइंट ये हमने डिस्कस किया था, क्या उस पर अप्लाई होता है या नहीं अप्लाई होता है, आइए हम चेक करते हैं। जैसे एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैंने क्या कहा, His hairs is black.
उसके बाल क्या हैं? काले हैं। उसके बाल काले हैं। अब मैं कहूँ कोई एरर है, आपने कहा सर कौन सा एरर इसमें दिख रहा है, ये सेंटेंस अपने आप में क्या है? करेक्ट है। भैया ध्यान से देखना मैंने वर्ड क्या यूज किया है, पेयर्स। बताओ इनका हम प्लरल बना सकते हैं? अच्छा ये उस तरह मत समझना कि मैंने हाथ में पांच बाल ऐसे निकाल लिए और काउंट करके बता रहे हैं 1 2 3 4 5, ये तो मजाक की बात है। ठीक है, तो वर्ड हमें ध्यान में रखना है, ये वर्ड्स कभी भी प्लरल नहीं बनाए जा सकते हैं बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल। अब बताओ यहाँ पे हेयर्स हो गया हेयर, आपने कहा सर यस तो लगाना बहुत बड़ा पाप हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। दूसरा एग्जाम्पल, he has no knowledge of मैथमेटिक्स। मैंने क्या कहा? ही हैज नो नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। बताओ वर्ड हमारा क्या है? आपने कहा सर वर्ड आपने यूज किया है नॉलेज। इनके पहले आर्टिकल का यूज हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नॉलेज कर सकते हैं, एस लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल। गेटिंग माई पॉइंट? एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे सी गेव मी मैनी एडवाइस। इसको तो ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा गलत भी करेंगे ना, गलत करके हम सही सीखेंगे। तो मैंने वर्ड यहाँ पे यूज क्या किया? एडवाइसेस। सबसे पहले तो ये वर्ड ही गलत हो गया हमारा। क्यों गलत हो गया? सर आपने बताया है कि इन वर्ड्स को हम प्लरल नहीं बना सकते हैं। चलो अच्छा मैंने मान, चलो यहाँ से एस भी हटा दिया, अब क्या सही हो गया? सर अभी भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे जो मैनी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी भी नाउन के पहले अगर लग के आता है तो वो उस नाउन को प्लरल बना देता है, उस नाउन को प्लरल बना देता है। हम इसके प्लेस पे क्या कोई वर्ड यूज कर सकते हैं जो काउंट जो अनकाउंटेबल को भी लेकर चले साथ साथ, हमारा सेंटेंस भी गलत ना हो और ये रूल्स भी ब्रेक ना हो? सर बिल्कुल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इसकी जगह पे हमने क्या यूज कर दिया? मच एडवाइस। क्या यूज वर्ड यूज कर दिया? मच एडवाइस। अच्छा अगर आपको मच नहीं लगाना है तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि सर इसकी जगह पे मैं लिख दूं मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। क्या कहा आपने? सर आप ये यूज कर सकते हो, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। अब देखो मैनी अपने आप में वर्ड कैसा है? आपने कहा सर प्लरल है ना भैया। कहीं गए आप किसी के घर, है ना, कोई बड़े बुजुर्ग मिले आपको, उन्होंने कहा क्या करते हो? आपने बताया सर पढ़ाई करता हूँ, तैयारी करता हूँ। किसकी तैयारी करते हो? आपने कहा सर डिफेंस की प्रिपरेशन करता हूँ। आपने कहा सर कि डिफेंस के प्रिपरेशन के साथ साथ मैं थोड़ा सा पढ़ाता भी हूँ। चलो बिल्कुल अच्छी। तो जो बड़े बुजुर्ग थे, जो आपसे सीनियर्स थे, उन्होंने आपको क्या दी? एक सलाह दी, दो सलाह दी, तीन सलाह दी, है ना। तो आपने, आपको जो सलाह मिल रही है वो एक मिल रही है? नहीं, उस कंडीशन में आपको ऐसे एडवाइसेस मिलेंगे। मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ एडवाइसेस, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बस मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि वहां पर जो आपको एडवाइस मिली है वो काउंटिंग में क्या है? मोर देन वन है। आपको बच्चों के सॉरी आपको गलत संगत में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमेशा अपने स्टडी पे फोकस करना है, ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, ठीक है, बुरी संगत में नहीं पढ़ना है, अपने काम से काम रखना है, दूसरों के प्रॉब्लम्स में या दूसरों के लड़ाई झगड़े में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो क्या बात, क्या कहा जा रहा है? एडवाइस दी जा रही, तो एडवाइस को हम प्लरल बना सकते हैं? नहीं, लेकिन हमारे पास एक तोड़ होना चाहिए जो उस वर्ड को भी फुलफिल कर दे, और वो वर्ड क्या है? ये वर्ड है। इसको हम और लिख सकते हैं कैसे? ऐसे ही गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। चलिए तो ये हो गए एग्जांपल्स। रूल नंबर 4 के हमने देखा कि दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को हम प्लरल नहीं बना सकते हैं, और अगर गलती से बना भी दिया तो उसके लिए हमें तोड़ रखना पड़ेगा कि इन वर्ड्स का सहारा लेकर हमें ऐसे बनाना है, ठीक है।
एक वर्ड और मैं लेता हूं आपके लिए, जैसे जैसे यहां पे हमारे हमारे पास वर्ड है ब्रेड, टुकड़ा, तो टुकड़ा के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो क्या, लोफ। प्लरल भी इसका बना सकते हैं, इसका रोटी का टुकड़ा जैसे हम बोलते हैं, रोटी का। और इसी को आप प्लरल भी बना सकते हो, लोब्स, टुकड़े जिसको आप बोलते हो। मैं इस वर्ड की बात कर रहा हूं, जब आप यूज करोगे तो ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो, ये हुआ हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हमने देखा ये वर्ड्स थे, इनको हम प्लरल नहीं बना सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा। आशा करता हूँ आपको इतनी जानकारी समझ में आई होंगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।